हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों कैसे हो? टेक्स्ट बुक आपके पास है? टेक्स्ट बुक खोल के चैप्टर नंबर 6, बिस्मिल्लाह खान लाबो बिन मेहता। ये लेसन बहुत बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा वेटेज ये बिस्मिल्लाह खान लेसन का है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये चैप्टर को बरोबर समझना है। ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान, जो लोग कलाकारों की यानी किसी में किसी प्रकार की शक्ति है, किसी को संगीत बजाना पसंद है, किसी को शहनाई बजाना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छी तरह से आता है, इसी प्रकार से हर एक प्रकार का शौक अलग अलग होता है। और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कोई कला कारीगिरी में प्रख्यात है, और ऐसे ही हमारे एक पात्र है बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई वादक में हमारे इंडिया में लास्ट शहनाई वादक हुए हैं। इसके बाद कोई हुआ नहीं। बहुत ही बढ़िया बिस्मिल्लाह खान व्यक्तित्व है। भारत सरकार ने, अब्दुल कलाम ने इसको बहुत अवॉर्ड दे के नवाजा है। बिस्मिल्लाह खान ऐसे शहनाई वादक है और इस प्रकार के व्यक्तित्व है, वो खुदा परस्ती है, वो खुदा में भी इतने मानते हैं, दूसरे के प्रति जो जिनके पास उन्होंने शहनाई सीखी है उनका भी वो आदर करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व और शहनाई जो उनकी रोजी रोटी थी, जो उनका प्रेम था, जो उनकी जीवन संगीनी कहा जाता है, वो था सहना। तो एक बहुत बढ़िया पात्र है, बहुत बड़े कलाकार है बिस्मिल्लाह खान, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लाबू बिन मेहता, बिस्मिल्लाह खान आ जे लेसन छे आपड़ो ते लाबू बिन मेहता, जेमने बिस्मिल्लाह खान ने मुलाकात એટલે કે ઇન્ટરવ્યુ લીધેલું છે 1959 માં લીધું, એટલે કે 1959 માં એમણે ઇન્ટરવ્યુ લીધું, પછી તો એઓ પૂરા 47 યર્સ સુધી, એટલે કે 47 યર્સ સુધી તેઓ જીવ્યા અને પોતાનું જીવન એક પ્રેરણાદાયી જીવન એમણે જીવી બતાવ્યું। એઓ बिस्मिल्लाह खान ना जीवन विषय, एमनी सहनाई विषय, एमना संगीत ना शौक विषय, एमना भणतर विषय, विविध प्रकार ना 14 क्वेश्चन पूछे छे आमा। केटला? 14 अलग अलग प्रकार के 14 क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान को लाबू बेन मेहता इंटरव्यू में पूछते हैं। इसी प्रकार से हम ये लेसन को समझते हैं। लाबू बेन मेहता नो जन्म सौराष्ट्र ना लखतर गांव में थयो हतो। कहाँ हुआ है? सौराष्ट्र ना लखतर गांव में। एमना पिता अमृतलाल दलपत भाई सेठ आजादी नी लड़त ना दिवसों मा सौराष्ट्र ना सिंह कहेवाता। तेमणे 15 वर्ष नी उम्रे धोलेरा मा मीठा ना सत्याग्रह मा भाग लीधो, एटले के लाभुबेन मेहता ना पिता पण सौराष्ट्र ना सिंह कहेवाता। लाभुबेन गुजराती, मराठी, हिंदी, बंगाळी, अंग्रेजी भाषा जाणता। लाभुबेन कुशल अनुवादक तरीके प्रसिद्धि पाम्या, अनुवादक ट्रांसलेटर। तेमणे मराठी बंगाळी भाषामांथी घणा अनुवादो आप्या। उपरांत तेमणे बिंदी नामनो वार्ता संग्रह अने प्रणयदीप नामे नवल कथा आप्या उन्होंने दिया है। तेमणे कला अने कलाकार भाग 1-2 मां, जो बिस्मिल्लाह खान का जो इंटरव्यू लिया है उनकी बुक है कला अने कलाकार भाग 1-2 मां जुदी जुदी कला ने वरेला कलाकारों ने मुलाकात द्वारा लिखी छे। यानी उन्होंने जो लेसन दिया है हमारा कला और कलाकार दिया गया है। यानी यहाँ बिस्मिल्लाह खान की मुलाकात लाभुबेन मेहता 1959 में लेते हैं, 1959 में लेते हैं। इसके बाद जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उसके बाद वो 47 ईयर तक जिए हैं और एक प्रेरणादायी जीवन उन्होंने जी के दिखाया है। तो बिस्मिल्लाह खान की
के बारे में, बिस्मिल्ला खान के बारे में हम देखते हैं। ये रहे बिस्मिल्ला खान, द लास्ट वर्ड सहनाई, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। आप जानते हैं भारत सरकार ने भी उसको पहुंच ही अवार्ड से नवाजा गया है और बहुत सारे सारे अवार्ड उसको प्राप्त किए गए हैं। सहनाई बजाना एक आम बात नहीं है, बहुत ही टिपिकल चीज है। सहनाई यानी शरणाई वगाड़वी खूब कठिन काम छे। बिस्मिल्ला खान पोताना शब्दों में कहे छे, लाभुबेन मेहता धीरे धीरे पोताना एक एक प्रश्न पूछे छे अने तेना આ ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન પોતે જવાબ આપે છે। તમે જોઈ શકો છો બિસ્મિલ્લા ખાનનો જન્મ 21 માર્ચ 1916 એટલે કે 1916 માં થયો હતો। મૃત્યુની વિગત 21 ઓગસ્ટ 2006 ના દિવસે આ મહાન શરણાઈ વાદકનું મૃત્યુ થયું હતું। એઓ વારાણસીના હતા, વ્યવસાય સંગીતકાર, એટલે કે શરણાઈ વગાડવાનું કામ એઓ કરતા હતા। બિસ્મિલ્લા ખાન એવોર્ડ, ભારત રત્નનો એવોર્ડ પણ એમને આપવામાં આવેલો હતો। 2001 માં ભારત રત્ન એવોર્ડ આપવામાં આવેલો બિસ્મિલ્લા ખાન, આપણે જોઈ શકો છો। બિસ્મિલ્લા ખાન કો એવોર્ડ ભારત રત્ન 2001 મેં દિયા ગયા હતા। પદ્મભૂષણ, अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं। पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री 1961, इतने सारे अवार्ड दिए गए। आप देख सकते हो कि बिस्मिल्ला खान को ये अवार्ड दिया गया था राष्ट्रपति के जरिए, ये अब्दुल कलाम के जरिए दिया गया था और ये भी दिया गया था बिस्मिल्ला खान को। और ये रहे बिस्मिल्ला खान। इस प्रकार से ये शहनाई वादक को भारत सरकार ने भी कितना सम्मानित किया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। बिस्मिल्ला खान 21 मार्च 1916, 21 अगस्त 2006 में। सहनाई के जादूगर और संगीत के सत्ताज उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इसके बारे में એટલે કે આના વિશે લભુબેન મહેતા જણાવે છે। સુપ્રતિષ્ઠિત, પ્રતિષ્ઠિત યાની બહુત હી જાને માને શરણાઈ વાદક બિસ્મિલ્લા ખાન ની મુલાકાત લેવાનો વિચાર તો ઘણા સમયથી કરી રહ્યા છે। લભુબેન મહેતા એવું કહેતા હતા કે આ વ્યક્તિની મુલાકાત યાની ઉસકા ઇન્ટરવ્યુ લેને કા તો બહુત टाइम से पहले हमने सोच के रखा था, परंतु तेओ ने मुंबई आवानो ओछो, यानी वो बॉम्बे में कम आते थे अने आवे त्यारे अनेक कार्यक्रम गोठवाई है, एटले लांबी मुलाकात नो अवसर मळे नहीं, यानी उनकी विजिट इतनी रहती थी कि उसमें टाइम मिलता नहीं। आ वखते ते भई टाळवा एमने अमारे त्यां ज चा पीवानो आमंत्रण आपी मुलाकात लई लीधी, यानी उन्हें चाय पे बुलाया। मोदी जी कैसे कहते हैं कि चाय पे चर्चा, इस प्रकार से बिस्मिल्ला खान को लभुबेन मेहता ने चाय पे चर्चा भी बुलाया। दौड़ बे कलाक की मुलाकात में इतनी सरलता, यानी इंसान को पहचानने का मौका लभुबेन मेहता को मिलता है। खुदा परस्ती और कला प्रेम नो सारो परिचय थे। शरणाई माटे नी एमनी लगनी साजा कलाकार ने शोभे भी जणाई। लभुबेन मेहता भी इससे इम्प्रेस हो गए। એમના જીવનમાં જાણે ત્રણ જ વ્યક્તિઓને સ્થાન હોય એમ એમની વાતચીત પરથી લાગતું હતું, ખુદા, મામા અને શરણાઈ। શરણાઈ પણ એમને મન એક વ્યક્તિ જેવી જ છે, આ ત્રણે વિશે વાતો કરતા, એટલે કે એમના જીવનમાં ખુદા એટલે કે ભગવાન, મામા એટલે અલીબક્ષ, ઉસકે મામા કા નામ થા અલીબક્ષ અને શરણાઈ એટલે સેનાઈ। શરણાઈ પણ એમને મન એક વ્યક્તિ જ હતી, યાની ઉન્હોને ઉનકે જીવન મેં તીન વ્યક્તિ के प्रति प्रेम क्रिया है और तीन ही व्यक्ति उनके जीवन में थी, एक खुदा, उसके मामा अलीबख्श और सहनाई। आ त्रणे विषय बातों करता तो क्यारे गदगद बोली जाता, यानी
उनके प्रति जो प्यार था, उनके प्रति जो बातचीत उनको याद आती थी, गदगद थई जाऊं, यानी रोने जैसे हो ક્યારે ખૂબ મોજમાં આવી જતા એમની સાથે જે વાર્તાલાપ થયો તે આ રહ્યો યાની ઉન્હોને જો જો ઇન્ટરવ્યુ મેં ક્વેશ્ચન પૂછે ગયે હે વો યે રહે ઉને પહેલા ક્વેશ્ચન પૂછા થા શરણાઈ બજાવવાનું આપે કેટલી ઉંમરે શરૂ કર્યું અને કોની પાસેથી શીખ્યા યાની આપને શહેનાઈ બજાને કા કિતની સાલ મેં શરૂ કિયા ઓર કિસકે પાસે શીખે તો ઉસકા ક્વેશ્ચન હે શરણાઈ શીખવાનું શરૂ કરવું પડે તેમ ન હતું ક્યું क्योंकि शहनाई तो उन्होंने उनके घर में वंश परंपरा थी, यानी उनके घर में उनके दादा, उनके दादा, उनके पिताजी, उनके पास से शहनाई बजाने का काम उनके घर में वंश परंपरा का चलता ही आ रहा था। वंश परंपरा थी हमारा कुटुंब में शहनाई बगाड़वानू चालू आवतो हतो। आ जे छे ए प्रत्ययमां આપણે લેવાનું હોય છે એટલે મિત્રો એને આપણે અન્ડરલાઈન કરીશું વંશ પરંપરાથી અમારા કુટુંબમાં શરણાઈ બજાવવાનું ચાલ્યું આવતું હતું એમના ઘરમાં પિતા દાદા મામા નાના સૌ શરણાઈ બજાવવાનું કામ કરતા હતા જુદા જુદા રાજાના દરબારમાં યાની અલગ અલગ પ્રકારથી ઉસ ટાઈમ પે રાજા લોગ જો હે દરબાર લોગ દરબાર ભરતે થે तो ये दरबार में पहले के जमाने में कवि लोगों का स्थान था। अलग अलग प्रकार के डायरा भरते थे, अलग प्रकार की सभा, मौज मस्ती थी, गाना बजाते थे। उसी प्रकार से शहनाई वादक को भी उसमें बुलाते थे। तो उनके कुटुंब के जो सभ्य है उसके दादा परदादा वो इस प्रकार की जॉब करते थे। मारा दादा ग्वालियर राजन बालाजी नु मंदिर यानी उनके जो दादाजी है ग्रैंडफादर वो बालाजी नू मंदिर जे बनारस में हतो त्या नौकरी करता था, वहां जॉब करते थे। बीजा वडीलो पण कोई कोई रियासत में हता, रियासत यानी राज्य स्टेट। आ कारणे घर में वातावरण गावा बजावानुं ज रहेतो, यानी घर में इस प्रकार का एटमोस्फियर था। मने पण एक नानी एवी शरणाई दीधेली, यानी उनको भी एक छोटा सा शहनाई दिया था। ते लईने मारी 5 वर्ष की उम्रे हूं घर में टेटे करिया, यानी उनको 5 ईयर, उनका जो 5 ईयर यानी 5वां साल चलता था उसी टाइम पे उन्होंने शहनाई बजाने का सीख लिया। ए वक्ते मारा मामा ने मने पास से बुलावी ने कहे दो, उनके मामा ने उनके पास बुला के कहा कि भाई तारे बगाड़वो हो तो सुरमा बगाड़, यानी अच्छी तरह से राग आए इस प्रकार से बजाओ, कान ने मीठू लागे ने फरी फरी ने सांभळवो गमे तेवु वगाड, यानी कान को बहुत अच्छा लगे, सुरीला लगे इस प्रकार से बजा। प्यार थी मैं सुरमा वगाड़वानी कोशिश शुरू करी छे। उसी टाइम से उन्होंने सुर में बजाने का काम शुरू किया। देखिए ये बिस्मिल्लाह खान का प्रोटोग्राफी है, ये 5 ईयर है। इसके बाद उसके कुटुंब में सब लोग सहने बजाने का काम करते थे। वो है बिस्मिल्लाह खान को उसके दादाजी कितना प्यार करते थे वो दिखा रहे हैं। ये रहा वो कितनी रियासत करते थे, खुदा की बंदगी करते थे वो है। ये रहे बिस्मिल्लाह खान जहाँ प्रोग्राम में जाते थे, इसी प्रकार से ये बिस्मिल्लाह खान कि सब किस प्रकार के हैं देखिए। बिस्मिल्लाह खान खुदा परस्ते हुए, खुदा देखिए। और ये रहे बिस्मिल्लाह खान बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, बिस्मिल्लाह खान को जिस प्रकार से अवॉर्ड दिए जाते थे इस प्रकार से, और एंड में बिस्मिल्लाह खान इस प्रकार के थे, वृद्ध हो गए, उसके हाथ में भी सेना है। इससे हमको पता चलता है कि अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन पर सौथी प्रबल असर कौन है। तो उनका क्वेश्चन एक ही आएगा कि भाई वो उनके जो सबसे 3 लोग प्रिय थे वो एक थे खुदा यानी भगवान, दूसरा था सेना है
और तीसरा व्यक्ति जो है उसके मामा, और उसके मामा का नाम है अलीबख्श मामा, એટલે કે એમના મામાનું નામ હતું અલીબક્ષ. પહેલા એક ક્વેશ્ચન કા જવાબ હે મામાની, એ મારા સૌથી નાના મામા, યાને મમ્મી કે જો ભાઈ હોતે હે ઉસકો ક્યા કહેતે હે મામા, એમનું નામ અલીબક્ષ, એ સંગીત પાછળ પાગલ હતા, ફકીર હતા, પરમેશ્વર પાસેથી એક કંઈક લઈને આવ્યા હશે, યાને खुदा के पास से कुछ लेके आए हैं, ऐसा वो मानते हैं, नहीं तो आ विद्या में एमना जेटलो पारंगत हो सके नहीं, એટલે કે એના સિવાય આ વિદ્યામાં કોઈ પારંગત થઈ શકે નહીં. તેઓ 18-18 કલાક રિયાઝ કરતા, રિયાઝ પ્રેક્ટિસ 18 ઘંટે તક વો રિયાઝ કરતે, બાકીના 6 કલાકમાં ખાવા પીવા સુવાનું પતાવતા. જે માણસે 18 વર્ષ સુધી ને 18-18 કલાક સુધી રિયાઝ કરી હોય એને કોણ પહોંચે, યાની ઉનકે મામા જો થે ઉન્હોને 18 ઘંટે તક ઇસ પ્રકાર કી પ્રેક્ટિસ કી. સોચી આપ, હમ કિતના પઢાઈ કરતે હૈ દિન મે, કભી કભી ગુજરાતી મે આધા ઘંટા ભી હમ પઢતે નહીં હૈ. અગર કુછ અચ્છે માર્ક લાને હૈ, અગર અચ્છા કુછ કરના હૈ, તો 18 ઘંટા નહીં 12 ઘંટા 10 ઘંટે તો પઢો. સારે સબ્જેક્ટ કો सेवन हमारे सब्जेक्ट है, एक दो घंटा तो अंदर टाइम निकालो, 14 घंटे नहीं तो 7 घंटा, एक एक घंटे का टाइम एक सब्जेक्ट के लिए निकालना चाहिए, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते. आ खुदा ना बंदा सिवाय अभी साधना भी तो करी पड़ कौन से, यानी इसके अलावा कौन कर सकता है. સાધના સિવાય એમની જિંદગીમાં બીજું કાંઈ કર્યું જ નથી એમ કહીએ છીએ. પોતાનો ખર્ચ બહુ જ મામૂલી રાખતા, એને એવો બહુ જ્યાદા પૈસા ખર્ચે નહીં, 6 પૈસે ગજના કપડા પહેરતા, ગજ કો પતા હોગા કે આજ હમ કપડા લેને કે લિયે જાતે હૈ તો વો મીટર પે દેતે હૈ, મીટર પે 1 મીટર કપડા લો, 2 મીટર કપડા લો, લેકિન ઉસ ટાઈમ પે गज, यानी गज का जो माप था, कपड़े का, कपड़े लेने का जो माप है गज, इस प्रकार से कपड़े दिए जाते हैं. और उसी प्रकार से ने कोई झाड़ा कपड़ा सा माटे पहरे छे पूछे तो कहता, यानी वो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं पहनते थे, वो सस्ता वाला कपड़ा पहनते थे, इसलिए उसको पहनते, अगर ऐसे कपड़े के बारे में कोई पूछते थे तो જવાબ દેતે થે બહુ બઢિયા જવાબ હો દેતે થે કે ખૂબ સરસ મજાનો જવાબ આપતા હતા. ખુદાને ચામ નહીં પણ કામ પ્યારો છે, ખુદાને ચામ નહીં પણ કામ પ્યારો છે, એ અમારા દો સેન્ટેન્સ છે. ઇસમે કન્જક્શન આયેગા પણ, આ પણ શબ્દ છે તે આપણા માટે સંયોજક રૂપે વાક્યને ફરીથી જોડો. આવી રીતે પૂછવામાં આવશે ત્યારે આ પ્રકારનું હશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એમના મામા કેવા દેખાય છે, અલીબક્ષ મામા. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, બાળપણની અભ્યાસ વિશે કંઈ કહેશો, બાળપણની અભ્યાસ વિશે કંઈ કહેશો. अब उनके बचपन के बारे में कहते, हूँ 2.5 वर्ष नो हतो त्यारे माँ मरी गए थी. बिस्मिल्लाह खान कितने साल के थे, 2.5 साल, तब उसकी माँ गुजर गई थी, इटले मौसाड़ में ज मोटो थे. यानी यहाँ एक सेंटेंस हमारा संयोजक रूप में आएगा कि હું 2.5 વર્ષ નો હતો ત્યારે મા મરી ગઈ, યાની એક સેન્ટેન્સ ઇસી પ્રકાર કા આ સકતા હૈ. યહાં હમ કન્જક્શન કો ઇસ્તેમાલ કર સકતે, બરાબર, ત્યારે એટલે મોસાડ માં જ મોટો થયો,
6-7 વર્ષનો થયો ત્યારે મને શાળામાં બેસાડ્યો. કિતને સાલ કે થે બિસ્મિલ્લાહ ખાન? 6 સાલ કે. તબ ઉસકો સ્કૂલ મે બિઠાયા ગયા થા. ફર્સ્ટ બાર વો સ્કૂલ મે જાને લગો. પણ એ વખતે હું સંગીત એટલો રંગાઈ ગયો હતો, યાની વો શહનાઈ બજાને મે ઇતને મશગુલ હો ગયો કે આખો વખત ગીત ગણગણ્યા કરતો. ઓ ગાના એ બજાને કા કામ કરતો. સેનાઈ બજે માસ્ટર લખાવે અલફ, બે બે ડેટે પણ એ લખવાને બદલે મનમાં ગીતનું ગુંજન જ ચાલતું હોય. યાની વો ટીચર પઢાતે થે ઉસમે ધ્યાન દેતે નહીં થે, ઓર સંગીત હી વો બજાતે રહેતે થે. માસ્ટર જ્યારે મને પૂછવા આવે ત્યારે મારાથી જવાબ આપી ન શકે. यानी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो उनका जवाब वो दे सकते नहीं थे. एक वक्त एक छोकरा फरियाद किया, यानी एक बार एक लड़के ने उसके बारे में कंप्लेंट किया, साहेब ये तो गणवाने बदले गीत गड़गड़िया करे, यानी पढ़ाई के बदले में वो तो गाना ही गाते रहते. आ सांभळी ने मास्टर गुस्से थे आने मने खूब मारा, उनको बहुत मार मारा टीचर ने. ते पछी हूँ घेर नासी आव्यो. આજકાલ તો બચ્ચે કો હાર લગા સકતે નહીં થે, ઉસ ટાઈમ પે અગર કોઈ પડતા નહીં થા તો ટીચર બહોત માર દેતે. ઓર હમારે ગુજરાતી મે કહાવત હે કે છોરડી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે ચમચમ. ઇસ પ્રકાર સે એક સેન્ટેન્સ સે તો કે માસ્ટર ગુસ્સે થયા ને મને ખૂબ માર. તે પછી હું ઘેર નાસ્યા. मामा ने कही दी थी कि हूँ भणवा जवानो नहीं. मामा ने उस मामा को उसने बोल दिया कि मैं भाई लड़ाई करने जाने वाला नहीं हूँ. छता मामा आग्रह ने दबाण थी रोज मोकलता बहुत हर रोज गई. मारो मगज आम तो बहुत सारो हतो, उसका दिमाग तो बहुत अच्छा था, गावानो तो जे सांभळतो ते कंठे थे, यानी उनको तुरंत याद रहता. મારા નાના અને મામા બંનેને મારા પર ઘણું વહાલ હતું, યાની નાના યાની મમ્મી કે પિતાજી, મામા યાની મમ્મી કે ભાઈ, ઉનકો બહુથી પ્યાર થા. તેઓ મને રોજ સમય આપીને શીખવતા, ગાવાનું અને વગાડવાનું જેમ વધતું ગયું તેમ ભણવામાં રીચી ગયું. ઉનકો પઢાઈ મેં સે ઇન્ટરેસ્ટ ઉઠ ગયા. જૈસે જૈસે વો શહનાઈ જ્યાદા બજાતે થે ઇસમેં ચિત્ત ઉઠી ગયું. પણ મામાની ધાકને કારણે રોજ સમયસર શાળાએ જવું પડતું એટલે દફતર લઈ ગામ બહાર ભટકવું પડી જતું. લેકિન મામા કે ડર કી વજહ સે ઉનકો હર રોજ સ્કૂલ મે જાના પડતા થા, લેકિન વો સ્કૂલ જાતે નહીં થે, દફતર યાની બેગ લેકે વો ભટકવા યાની યહાં ત્યાં ઘૂમને કે લીએ ચલે જાતે. ને પછી શાળા છૂટે ત્યારે ઘેર આવતો, ઘેર આવી શરણાઈ વગાડવા બેસી જતો. આમાં એક દિવસ ચોરી પકડાઈ ગઈ. આપ કિતને ભી દિન ચોરી કર લો, આપ કિતને ભી દિન ઝૂઠ બોલ દો, લેકિન એક દિન તો ચોરી પકડી હી જાતી હૈ. વૈસા હી કે બિસ્મિલ્લાહ ખાન કે સાથ હોતા. એક છોકરો ઘણા દિવસથી મારી ગેરહાજરીનું કારણ પૂછવા ઘેર આવ્યો, યાની એક લડકા વો એબસન્ટ થા, એટલે ઘર પે વો તપાસ કરને કે લીએ આયા કે ભાઈ આજ બિસ્મિલ્લાહ ખાન ક્યું નહીં આયે. ત્યારે મારું જૂઠાણું આમ પકડાઈ ગયું. સાંજે ઘેર આવ્યો ત્યારે મામાએ ખૂબ માર્યો, યાની શામ કો વાપસ લોટે તબ ઉનકો ઉનકે મામા ને બહોત મારા. ઓર ભાર દઈને કહ્યું, યાની બહોથી ઉનકો સમજા કે કહા, જો કહા વો અમારે જીવન કે લીએ ભી બહોત બઢિયા હૈ. બિસ્મિલ્લાહ ખાન કે જીવન કે બારે મેં ભી બહોત બઢિયા થા. બિસ્મિલ્લાહ ખાન ને જબ યે સલામ મામા ને કભી કિસી કે કભી કિસી કી બાત કો હમકો સમજના ચાહીએ. क्या क्या समझाया था?
कि कभी झूठ न बोलो, यानी जिंदगी में कभी झूठ न बोलो। तीन बात सीख लो, यानी मामा ने तीन बात जो है वो जीवन की सबसे बढ़िया बात मामा ने उसको सीखा। तबियत संभालो, तीन बात सीख लो फ्रेंड, अंडरलाइन कर देता हूं। कभी झूठ न बोलो, तीन बात सीख लो, एक तबियत संभालो यानी हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो, दूसरी इज्जत बचाओ रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन बरोबर होनी चाहिए, हमारी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, ये तो जीवन में बहुत जरूरी है। आजकल लोग इज्जत भले चली जाए हमारे पास पैसे आने चाहिए ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा नहीं, जो है वो रेपुटेशन है, एक बार हमारी रेपुटेशन है वो हमेशा के लिए हमको बनाए रखनी चाहिए, और झूठ कभी ना बोलो। आजकल लोग अपनी बात सच बनाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ कि कभी सोचा नहीं होगा वैसा झूठ बोल बोल के अपना काम कर लेते हैं, सामने वाले इंसान को ऐसा समझते हैं कि वो ना समझे, ऐसा करके हम कितना सफाई से झूठ। आज सच कम और झूठ ज्यादा हो, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए झूठ कभी न बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। त्यार पछी तो ऊपरा ऊपरी 4 वर्ष नापास थे, कितने बार 4 बार एक ही स्टैंडर्ड में वो फेल हुए, एटले थाकी ने मामा एज मने भण तो उठाड़ी दीधो, यानी मामा भी उससे थक गए, आटलू बोलता वड़ी थी वो मामा ने याद में लागणी बस बनी गया, इतना ही बोला इसमें तो वो लागणी वश यानी मामा की याद आ गई, ने स्वगत बोलता होय तेम बोलवा लाग्या। स्वगत यानी खुद अपने साथ बात करते हैं उसी प्रकार से वो बोलने लगे। स्वगत बोलता होय तेम बोलवा लाग्या, साचे त्यो फकीर हता, त्यो कहता फकीर यानी खुदा की भक्ति में फकीर, यानी जिसके पास कुछ नहीं रहता सिर्फ भगवान का नाम रहता है उसको हम फकीर कहते हैं, जिसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं है सिर्फ भगवान का नाम लेते उसको हम फकीर कहते हैं। तो कहता सुर लेना है तो सच बोलो, बात तो सही है, अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी वाणी भी सच निकलेगी, एमनी दृढ़ मान्यता हती कि आपने साचू बोलिए तो सुर पण साचो छे, साचू बोलने दरेक काम में सफलता ज मळे, यानी सच बोलना चाहिए। हमको क्या सीखना चाहिए इससे, हमारे गुजराती लेसन कुछ ना कुछ सिखाता है हमारे जीवन में, तो बिस्मिल्ला खान से, बिस्मिल्ला खान मामा सिखाते बिस्मिल्ला खान को बिस्मिल्ला खान सच बोलना चाहिए। अब आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, लाभुबेन मेहता उसको पूछते हैं कि शरणाई साथे तुम्हारे गीत की मदद लेनी पड़े, यानी सहनाई बजाने के वो टाइम आपको वो खाई याद करना पड़ता है, उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ती है, तो कहते हैं कि जरूर सुर मेळव्या बिना शरणाई शुरू करी शकाती नथी, जानते हैं कि सहना बजाने में उनके अंदर गायन बरोबर अच्छे से बजना चाहिए, स्थाई संतरा संचारी अभोग ये बधु याद करी पहला मनोमन गाव पड़े, पछी ये सुरो अमे शरणाई में उतारी, यानी ये जो है स्थाई अंतरा संचारी अबोग ये जो है वो सुर यानी जो राग के अलग अलग प्रकार हमें शरणाई में उतारी छे, कार्यक्रम आपती वखते तोड़ी जौनपुरी के बीजा जे राग वगाड़वा होय ते मन में नाचवा, यानी उसको इस प्रकार से दिमाग में होते गायन तो उसी प्रकार से सहनाई में वो बजती है, एना सुर पकड़ा एटले आपोआप बजावी जवाय छे, सुर साथे शब्दनी पण जरूरत रहे छे, शब्दने कारणे सुरमां वजन आवे छे, यानी तेथी गावा बजावानी मजा आवे छे, शब्दना अर्थ साथे दिल चाले छे, यानी हम जानते हैं कि शब्द के साथ यानी वर्ड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं उसके साथ हमारे
દિલ કા સુરીલા રાગ વિચરતા હે અને ગીત ના ભાવો મન માં ઉઠે છે આ બધું સ્વસ્થતાથી કરીએ તો યાની ઉસમે ઇન્ટરેસ્ટ હોના છે તો હી અચ્છી તરહ સે બચતી હે ઘબરાટ થી સુર મેળવવા પ્રયાસ કરીએ તો શબ્દ અને સુર બનને યાની ગાના કુછ અલગ બજતા હે સહેનાઈ કા રાગ અલગ બજતા હે અગર અચ્છી તરહ સે નહીં બજા સકતે अब अगला क्वेश्चन आता है इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान यहाँ हम रुकते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में आगे देखेंगे हम